अब हमले जुबानी हो जिस्मानी, हर हमले पर सियासत तलाशी जाएगी। यहां बात हाल ही में हमले का शिकार हुए ग्वालियर से पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल की हो रही है। हमले पर सियासत और ग्वालियर ही नहीं पूरे ग्वालियर चंबल की राजनीति में महल की राजनीति का बदला रंग क्या असर दिखाएगा, सुनिए ग्वालियर पूर्व से पहले कांग्रेस और अब बीजेपी के संभावित उम्मीदवार मुन्नालाल गोयल से चुनावी चर्चा। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, इनमें सबसे ज्यादा 16 सीटें ग्वालियर चंबल अंचल की है। इस अंचल की 16 सीटों में से 15 सीटों में सिंधिया जी के साथ जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर आए थे विधायक मंत्री, वो लोग यहाँ पर संभावित उम्मीदवार हैं। और ग्वालियर पूर्व से जो संभावित उम्मीदवार हैं मुन्नालाल जी गोयल, वो इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जाने। सर, किस तरह की उम्मीदें लेकर आपने चुनाव लड़ा था, कितना अपने आप को अपेक्षा पे खरा पाया और क्या वादे आपके थे जो पूरे कर पाए? देखिए, राजनीतिक जीवन में चाहे पार्षद हो चाहे विधायक हो सांसद हो, जब चुनाव लड़ता है चुनाव जीतता है तो कहीं ना कहीं जनता की अपेक्षाएं उसके साथ होती हैं। और निश्चित तौर पर आज लोगों का जो विश्वास घटा है जनता का नेताओं से, उसका कारण यह है कि नेता चुनाव में जो वादे कर जाते हैं उस वादों की पूर्ति नहीं हो पाती है, इसलिए जनता का विश्वास नेताओं से घट रहा है। मेरा मानना है कि जनता जब आपको विश्वास के साथ नेता बनाती है, विधायक बनाती है, पार्षद बनाती है, तो फिर आपको जनता के विश्वास के आधार पर आपको काम करना चाहिए। तो जब जनता की अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं सरकार का जो दायित्व है सरकार निभा नहीं रही है। और निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि हम खाली विधानसभा में बैठने नहीं गए थे कि हम के जीतने के बाद, हमारा मकसद था कि हम विधानसभा में पहुँचने के बाद भी जिस जनता ने हमें चुना है उस जनता के साथ न्याय जो हो पाएगा, विधानसभा पहुँचने के बाद ही हम जनता की अपेक्षा पूरी कर पाए। जहाँ तक सवाल सिंधिया जी का है, सिंधिया जी के बारे में जो कहा जाता है कि सिंधिया जी ने कांग्रेस को छोड़ी, मुझे लगता है पीसीसी अध्यक्ष नहीं बनाया आपने, आपने मुख्यमंत्री बनाया, आपने राजसभा सदस्य बनाया, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई कि जिस सिंधिया जी के चलते अंचल की 34 सीटों में से 27 सीटें कांग्रेस जीती, उसी के चलते सरकार बनी। चेहरा सिंधिया जी थे सीएम का, लेकिन नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने जब प्रस्ताव आया हाईकमान से कमला जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तत्काल उन्होंने कह दिया स्वीकार है और समर्थन कर दिया। तो सवाल सत्ता का नहीं था, सवाल यह कि अपमान की जो पराकाष्ठा पार हुई थी, आपको ध्यान होगा भोपाल के अंदर जब 80 सीटों का धरना था, उस धरने पर सिंधिया जी गए थे, तब 80 सीटों ने कहा था कि आपके मांग पत्र में, आपके वचन पत्र में ये बात है कि सरकार बनने के बाद 80 सीटों की जो मांग है उसको हम पूरा करेंगे, लेकिन सरकार आपकी बन गई है और सरकार बनने के बाद भी वो मांगें पूरी नहीं हो रही हैं। तो सिंधिया जी इतना कहा था कि सरकार का धर्म है कि बजट पत्र में जो हमने कहा है वो पूरा होना चाहिए, पूरा नहीं होगा तो सिंधिया जी आपके साथ है। इस बात पर सिंधिया जी की बात पर जो कमलनाथ जी ने कमेंट किया, जो पलटवार किया, जो कहा कि भाई सिंधिया जी सड़क पर आते हैं तो आ जाएँ, तो ये बयान निश्चित तौर पर उनके गरूर भरा बयान था, उनका अहंकार वाला बयान था, और मुझे लगता है कि ये अहंकार ही उनको लेट हुआ। आप 1.5 साल बाद जो है वापस जनता के बीच जाएंगे, पहले कांग्रेस के बैनर तले गए थे, अब भाजपा से, पहले कांग्रेस ही आपके साथ थे, आज विरोध में है, बीजेपी में भी कुछ अंतर विरोध है, उसमें भी टिकट के दावेदार हैं, चाहे सतीश सिकरवार हो या और भी लोग हैं, तो क्या लगता है आपको कि बीजेपी में आपको स्वीकार्यता बढ़ेगी? देखिए, मुझे लगता है कि भाजपा माने के बाद पोलिंग स्तर से लेके वार्ड स्तर, वार्ड स्तर से लेके मंडल स्तर तक, जिला स्तर तक, सभी लोगों के साथ हमारी बेहतर चर्चा हुई है। मैं भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठ रहा हूँ, मंडल स्तर पर मीटिंग हुई है, वार्ड स्तर पर मीटिंग हुई है, मुझे कहीं लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद मैं कोई उनसे अलग हूँ। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के दलों में जिस तरीके से जाना चाहिए मैं जा रहा हूँ, घरों पर जा रहा हूँ, और उनका प्यार मुझे मिल रहा है। मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता काम करेगा ईमानदारी के साथ, और निश्चित तौर पर जब पूरी मेहनत से काम करेगा तो परिणाम भी निश्चित तौर पर अनुकूल आएंगे। मुन्नालाल जी, एक जो कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा है वो यही है कि कांग्रेस आरोप लगातार लगाती रही है कि आप लोगों ने सौदेबाजी की है, 35-35 करोड़ तक में बिके हैं, और आप कांग्रेस के चुनाव पर टिकट पर चुनाव जीते थे, तो अब वापस आप जाएंगे तो जनता आपसे सवाल करेगी कांग्रेस ये निशाना साधती है। देखिए, राजनीति के अंदर तमाम सारे हमले होते हैं, और जब सारे हमले नाकाम हो जाते हैं तो आखिरी में एक ही हमला बचता है कि चाहे तन की राजनीति, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी वो काम करेगी, वो अपने गलेवान में झांके कि पिछले 40-45 साल समय की सरकार इनकी रही है, इन्होंने जो किया है वो इनके याद आ रहा है। हम लोग गए हैं केवल सिंधिया जी के वफादारी के लिए, हम कांग्रेस में नहीं गए थे, हम सिंधिया साथ थे, कल भी थे उनके साथ, और आज उन्होंने पार्टी छोड़ी
तो उनके साथ हम आज उनके साथ हैं। तो हमारा जो साथ था वो सिंधिया जी का साथ था, और निश्चित तौर पर जब सिंधिया जी का अपमान हुआ और जब उन्होंने कोई निर्णय किया तो उस निर्णय के साथ हम उनके साथ रहे। और निश्चित तौर जीवन के अंदर हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब सवाल वफादारी का आ जाए तो वफादारी निभाना चाहिए, तो वो वफादारी निभाने का काम हमने किया है। तो वफादारी निभाते रहेंगे मुन्ना लाल जी का कहना है, और जनता की जो अपेक्षा है वो अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। हर सवाल का उन्होंने बेबाक जवाब दिया है, चाहे कांग्रेस के आरोप हो या फिर जनता के अंदर जो काम करने के मुद्दे हैं, मसले हैं, उनको लेकर। तो अब हर चुनौती को लेकर मुन्ना लाल गोयल एक बार फिर से जनता के बीच जाने के लिए तैयार हैं। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर।